बाकी सब तो बहुत ठीक है लेकिन तुम बोलती बहुत तेज हो, बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम मुरू के लेवल पे नहीं आ सकते, बाकी सब तो बहुत ठीक है लेकिन पर तुम्हारा जॉक्स वाला लेवल रजा समो वाला नहीं हो सकता, बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे व्लॉग्स में कोई मजे की बात नहीं होती, बाकी तो तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो लेकिन यार तुम्हारे व्लॉग्स में कोई अच्छी बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैव एन अमेजिंग डे। टाइम इस वक्त हो चुके हैं 3 सुबह से मैंने कैमरा नहीं उठाया, अब दोपहर हो चुकी है। आज कुछ स्पेशल है इफ्तारी के लिए, जब लॉकडाउन नहीं था तो जब रमज़ान था और लॉकडाउन नहीं था पहले रमज़ानों में, दोबारा से कर लेती हूँ ये अजीब जा रहा है। बर्गर्स बन रहे हैं और बर्गर्स भी KFC स्टाइल शायद। Seriously, what the fuck are you doing? कोशिश तो करूँगी कुछ उस तरह के बने लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से बात शुरू नहीं होती, सबसे पहले रेसिपी देखनी पड़ेगी कि बर्गर में जो चिकन लगना है उसको किस तरह से लगाना है और उसका क्या सीन है। पहले वो सीन सेट करती हूँ फिर वापस किचन में आती हूँ। 2000 years later किचन में आने का सबसे पहला असूल होता है कि अपनी जुल्फों को बांध लिया जाए, जो कि मैंने नहीं किया। अगर जुल्फे बांधनी नहीं है तो सर ढांक लिया जाए, ढांप लिया जाए, तो वो कर लिया मैंने। तो सबसे पहले तो इसका मैरिनेशन तैयार करते हैं, जो कि टन टना तैयार कर लिए मैंने। मिर्चें थी वो मेरे नाक को चढ़ गई हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये लेना है, इसको कहते हैं मदानी, इसे चिकन की फटाई लगानी है ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह सुधर जाए। अब इसको साइड पे रख देंगे, चिकन के अंदर ये जो मैरिनेशन तैयार की है ये लगाएंगे और इसको 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। 5 बजे इसको फ्राई करूँगी। कैमरा रख देती हूँ क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो ये सारे काम ऑफ द कैमरा होंगे। और वैसे भी मुझे पता है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है रेसिपी में, तो बाद में मिलते हैं। ये मैरिनेशन तैयार हो चुकी है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। दे बाबा चलो जी। अच्छा जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तो हम जरा इंपॉर्टेंट बातें कर लें। मैंने ऑब्जर्व किए हैं चीज़ें अपने यूट्यूब करियर से कि जितना मेरा मुझे टाइम हुआ यूट्यूब, क्योंकि जब तक मैं खुद यूट्यूब पर नहीं थी तो उससे पहले मैं एक आप लोगों की तरह सोचती थी, लेकिन जब मैं खुद यूट्यूब पर आई तो मेरे देखने सोचने और ऑब्जर्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। तो बात कुछ यूँ है कि यूट्यूब पर कोई भी अगर किसी की भी कोई भी वीडियो होती है उस पर कमेंट करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, जो खुद क्रिएटर्स हैं उनको निकाल कर, ठीक है। 3 तरह के लोग होते हैं, जो खुद क्रिएटर्स नहीं है लेकिन पर जिस तरह व्यूवर्स हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है लेकिन पर वो मुझे देखते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों की 3 कैटेगरीज की। पहले तो होते हैं जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपको समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, और आपको वो दाद देते हैं आपके काम की, आपको अप्रिशिएट करते हैं। फिर आते हैं बुरे कमेंट्स करने वाले, और बुरे कमेंट्स करने वाले वो लोग होते हैं जिन्होंने ये कहना होता है तुम्हारे पीछे जो दरवाज़ा है ना इसका रंग अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हारी शक्ल काली है, तुम ज़्यादा गोरी लग रही हो, तुम्हारा पास कैमरा नहीं है, तुम्हारा माइक नहीं अच्छा, तुम्हारी सराउंडिंग्स नहीं अच्छी। नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ओवरऑल यूट्यूब की बात कर रही हूँ। तुम्हारे कपड़े नहीं अच्छे होते, तुम्हारी ये नहीं अच्छी होती, मतलब हर दफ़ा उन्होंने मतलब वीडियो में से हर वो चीज़ निकाल के उस पर कमेंट करना जो अच्छी नहीं लग रही। मतलब यार आप वो ना देखो, उसको ना ऑब्जर्व करो, आप वो चीज़ देख लो जो अच्छी लग रही है। बुरे कमेंट करने वाले को कभी जवाब देना नहीं चाहिए, ना उनका जवाब देना चाहिए ना उनको मुँह लगना चाहिए, वो फजूल होते हैं, उनको बस इग्नोर करना चाहिए। अच्छे कमेंट करने वाले को जवाब भी दो और उनको बोलो कि हाँ ठीक है चलो हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात चल रही है, आप क्यों बीच में आए हैं। तीसरे लोग वो होते हैं जो कि आपको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं साथ ही साथ आपको तनकीद भी कर रहे होते हैं। आई एक्सप्लेन यू, ये तीसरे जो कमेंट करने वाले हैं ना ये मेरे पास बहुत सारे हैं। अच्छा एक तरफ से कह रहे होते हैं कि यार बाकी सब तो बहुत ठीक है लेकिन तुम बोलती बहुत तेज हो, बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम मुरू के लेवल पे नहीं आ सकते, बाकी सब तो बहुत ठीक है लेकिन पर तुम्हारा जॉक्स वाला लेवल रजा समो वाला नहीं हो सकता, बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे व्लॉग्स में कोई मजे की बात नहीं होती, बाकी तो तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो लेकिन यार तुम्हारे व्लॉग्स में कोई अच्छी बात नहीं होती, बाकी तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो लेकिन तुम फिर बोलती बहुत तेज। एक तरफ से ये आपको जो है ना ग्रूम करें पॉइंट कहने के अच्छा काम कर रही हो, एक तरफ से कहते हैं यार तुम ऐसी नहीं हो। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग मुझे या बाकी यूट्यूबर्स को बाकी यूट्यूबर्स के साथ क्यों कंपेयर करते हैं। अब मैं और मुरू, मैं कहाँ और मुरू कहाँ, मैं कहाँ इरफान जुनेजा जो कहाँ, मुझे समझ नहीं आती कि लोग मुझे उन लोगों से क्यों कंपेयर करते हैं। यार मैं वो नहीं हूँ। अगर आपको इरफान जुनेजा जो देखने हैं तो आप उनके चैनल पर जाकर उन्हें देखो, मुरू को देखने हैं तो आप उसके चैनल पर जाकर उसे देखो। मुझे समझ नहीं आती लोग मेरे अंदर मुरू, इरफान जुनेजा जो रजा समो और पता नहीं और कौन कौन से यूट्यूबर्स को ढूंढते रहते हैं, मेरे अंदर क्यों ढूंढते हो आप। मैं हूँ, मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, मेरा डिफरेंट काम है, मैं डिफरेंट अंदाज है जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ये बात समझते नहीं है। और मुझे लगा कि मुझे एक बात एक दफ़ा क्लियर कर देनी चाहिए। और फिर मैंने अगर कैमरा गिरा ना मोबाइल मुँह पर थप्पड़ लगा देना। सबसे पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि मैं तेज़ क्यों बोलती हूँ। ये बाय बर्थ है, एक फैक्टर है और ये है बस। मैं आप लोगों के सामने तेज़ तेज़ बोलने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं आम रूटीन में भी तेज़ बोलती हूँ। जो काम आम बंदा 15 मिनट में बोल के करता है मैं वो 5 मिनट में कर देती हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की और ये है बाय नेचर ऐसा। और मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है। आप लोगों को अगर लगता है कि मैं वीडियो के लिए तेज तेज बोलती हूँ तो ऐसी बात कोई भी नहीं है। मैं बाय बर्थ ही तेज तेज बोलती हूँ और ये बस एक फैक्टर है और मैं
जाकर भी आहिस्ता नहीं बोल सकती। अगर मैं चाहूँ भी आहिस्ता बोलना लेकिन तो फिर मैं कम से कम एक दो मिनट तक आहिस्ता 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 ठहर ठहर के बोल सकती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मेरी स्पीड पकड़ हो जाती है। ये तो हो गया ना आहिस्ता बोलने वाला पॉइंट क्लियर। और होप सो अब आप लोग मुझे दोबारा ये बात नहीं कहेंगे। जिनको नहीं पता उनको मैंने एक बात क्लियर कर दी है कि यार ये एक फैक्ट है, मैं नहीं बोल सकती आहिस्ता। तीसरी चीज़ जो है ना, दूसरी चीज़ इस चीज़ में सॉरी, वो ये है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे व्लॉग्स में कोई अच्छी बात नहीं होती, तुम्हारे व्लॉग्स में कोई दीनी बात नहीं होती, तुम्हारे व्लॉग्स में ये नहीं होता, तुम्हारे व्लॉग्स में वो नहीं होता। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि मेरे व्लॉग्स अगर आप लोगों ने देखने, आप लोगों ने अगर दीनी बातें सुननी है, आपने कोई तारीखी बातें सुननी है, तो यूट्यूब भरा पड़ा है, सर्च करो जो चाहिए आपको और आप देखो सुनो। और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरा पहला व्लॉग था, उसमें मैंने यही बताया था कि मैं कोई इतनी ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं हूँ कि मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं चली जाऊँ और व्लॉग बनाऊँ, ट्रैवल व्लॉगिंग करूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरे पास जो होगा मैं बस सिंपल से अपनी लाइफ को उनको रिकॉर्ड करूँगी और जितना इंटरेस्टिंग हो सका उसको बना के रिकॉर्ड करने की दिखाने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक बात ये है कि आपके व्लॉग्स में अच्छी बातें नहीं होती, तो मेरा ख्याल नहीं है कि मेरे व्लॉग्स में कोई बुरी बातें भी होती हैं। अच्छी बातें होती हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ का टाइम कैसे स्पेंड करो, आप हंसी मजाक कैसे करो एक लिमिट में रह के। मैं तो ऐसी ही हूँ। अगर आपको अच्छी बातें सुनिए, तारीखी बातें सुनिए, तो मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना चाहिए। उसके लिए मेरे व्लॉग्स में आप तारीखी बातों की एक्सपेक्ट करें तो मैं अपनी बाकी ऑडियंस को बोर नहीं करना चाहती हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। और आइंदा के बाद में आप इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन इसके बाद भी जो आप बोलते रहेंगे ऐसा बोला करो ऐसा बोला करो, तो उनके लिए ना ये अबे अबे साले सुधर जा फिर कहते हो गलती से हम इधर उधर निकल जाते हैं। 6:15 हो चुके हैं, तो अब टाइम हो चुका है बर्गर बनाने का, तो चलो। जनाब गर्मी फैक्टर ऑन दी पीक, एक तरफ बन रहे हैं बर्गर्स, एक तरफ बन रही हैं पेरी पेरी बाइट्स। मुझे समझ नहीं आती वैसे इनका नाम पेरी बाइट्स क्यों, इनका नाम होना चाहिए टिक्की बाइट्स, या मिर्ची होती है ना, मिर्चियों के अंदर चिकन डाला होता है, तो वैसे होती तो नहीं है ये, क्या कहते हैं, हाँ क्या, हाँ वैसे क्या तीखी मिर्ची नहीं होती, हाँ तीखी मिर्ची नहीं होती, ये कड़वी नहीं होती, तो इसलिए मोटी वाली मिर्च होती है, इसलिए इसको इसमें फिलिंग दी जाती है। लेकिन खाते हुए कुछ कुछ होता है कि यार हम मिर्च खा रहे हैं, किसको पता है मिर्च खा रहे हैं। मुझे पहली दफ़ा जब आपने बनाई थी ना, तो ना मैंने खाई थी ना मोहित ने खाई थी, मैंने कहा ये पागल है, ये हमें मरवाएगी, मिर्च खिला रही है। मामा ने कहा था तुम लोग रेस्टोरेंट में खाई थी ना इसको, फिर पता चला था कि ये कुछ फिर मुझे पता लगा अच्छा यार ये कोई डिश है, इसको पहली बार कहते हैं, ये ऐसी ऐसी होती है। मैंने कहा ओके ओके चलो ठीक है, कभी ना कभी तो पता लगना ही होता है ना नई डिश के बारे में। बर्गर और हमारी पहली बाइट्स तैयार है और अफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ चुका है, मतलब रोज़ा बस खुलने वाला है, दोनों मिनट रह गए हैं। तो ब्लॉग एंड करती हूँ, होप सो यू एंजॉइंग, एंड इफ यू एंजॉय दैट लाइक सब्सक्राइब कमेंट शमेंट सब कुछ कर दो, क्योंकि अभी मुझे जल्दी अभी मुझे बहुत जल्दी है अफ्तारी के लिए दुआ मांगनी है। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।